वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज रहीम मिर्ज़ा स्टड फार्म पर, और रहीम मिर्ज़ा के नाम से भी आप लोग पहचान लेते हैं कि ये बग्गी स्पेशलिस्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बग्गी जो टांगा है ये बतलाया। अभी यहाँ पर सेल के लिए बहुत सारे हॉर्सेज भी है अवेलेबल, रहीम मिर्ज़ा भी है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खैर से रहीम भाई? रहीम भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा सेटअप करे आप फार्म पर, और अभी आपके पास यहाँ पर पंचकल्याण भी है, नुकरा भी है, पोनी भी है, और यहाँ पर एक बहुत शानदार स्टैलियन है पंचकल्याण में जी। तो अभी ये सब सेल के लिए है आपके पास? सब सेल के लिए है। इससे हटके और चार घोड़े भी मेरे जैसे वहाँ पे दूसरे फार्म पे में रखे हुआ है। अच्छा, विखाराबाद में का है जी। इंशाल्लाह घोड़े बहुत है अपने पास यहाँ पे। और आपका सबसे पहले नंबर बतलाइए। मेरा नंबर तो सारी पब्लिक के पास होगा शायद, लेकिन फिर भी एक बार बोल नहीं, जो नए हैं उनके लिए तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। 7979 89 89 76 76 22 22 99 99। ये मेरा नंबर है, इससे पहले भी आप लोग देख चुके होंगे, जैसा कि आपको पहले भी देखे थे बग्गी घोड़े वगैरह भी मैं सेल। बग्गी का स्पेशलिस्ट काम है ना आपका? हाँ, बग्गी का स्पेशलिस्ट हूँ मैं। तो बग्गी यानी इससे पहले आप जैसे बतलाए थे कोई भी डिजाइन की बग्गी हो आप तैयार कर देते। दुनिया में कोई भी ऐसा डिजाइन रहने दो बग्गी का, टांगे का जो है आपके पास में, इंशाल्लाह मैं उसको बराबर इंशाल्लाह सेम टू सेम बना के देता हूँ। और कई दिया हूँ, टोटल मेरे अभी तक 122 गाड़ी सेल हुए हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्रा में, पुणे में। बग्गी का जो प्राइस रहता है, मिनिमम स्टार्टिंग कहाँ से शुरू होती है और मैक्सिमम कहाँ तक बना दे? मेरे कहने गाड़ी के मॉडल के ऊपर पैसे रहते, गाड़ी का जिस तरीके से मॉडल रहा है पैसे उस तरीके से रहते। स्टार्टिंग जो है सो 40,000 से स्टार्ट होता गाड़ी वो। अच्छा, 40,000 से आपको 2,00,000 रुपए तक भी बनता गाड़ी आपको, एक से एक लग्जरी गाड़ी, यानी नॉर्मल से लेके लग्जरी तक भी आप पूरा काम कर रहे हैं। पूरी टोटल पूरी फैमिली के टाइप में गाड़ी बना के देते। हमारे तो अभी तकरीबन देखे पहले भी जी। तो अभी जो सेल के लिए है, सबसे पहले इस पोनी से स्टार्ट करेंगे। ये टट्टू है ना? हाँ, टट्टू है। और ये फीमेल गाबन है? हाँ, गाबन है। कितने महीने की गाब है ये? तकरीबन जो है इसको बड़ी मुश्किल से महीना 15 दिन में बच्चा आ जाएगा इसे। बिल्कुल भर गाबन है। क्या हाइट है इसकी? क्या हाइट है इसकी? इसकी हाइट होती है देखिए साहब 47 होती है। 47 47 और क्या एज होंगी इसकी अभी? इसकी एज है 2 से 2.5 साल है। 2-2.5 साल की अभी है? बिल्कुल बच्ची है। अच्छा, और क्या प्राइस है इसका? प्राइस है 16,000 रुपए। 16,000 16,000। देखिए आप, ये ऑफर वाला रेट है क्योंकि आप लेंगे तो एक महीने के अंदर मैक्सिमम बच्चा भी आ जाएगा इसका। 15-20 दिन बतला रहे हैं भाई, आप एक महीना भी अगर रखें तो बच्चा फ्री हो जाता। कंडीशन बहुत टाइट है। और कम करेंगे इसमें प्राइस? नहीं, मैं कहने कम ही रहता। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी हॉर्सेस है जी, बेचने वाले बिकने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ तक समझता हूँ सब में कम देने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे कम प्राइस में देता हूँ, शौक बढ़ाने का काम है लोगों को बढ़ाना है। बिल्कुल। इसके बाद में आपके पास एक नुकरा घोड़ा है। ये नुकरा घोड़ा है, गाड़ी सिखाया अभी तो। अच्छा, गाड़ी भी सिखाई हुई है आप इसको? पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी जी। कंप्लीट होने के बाद में, कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट बोल के दूंगा वो। अभी बिल्कुल गुलाबी है ना, यानी स्पॉटलेस नुकरा है, फुलकारी नहीं है ये। अभी जैसे साफ सफाई नहीं हुई इसकी जी। इसके पूरे जिस्म के ऊपर एक भी बाल आप काला या पीला नहीं बता सकते। अच्छा, स्पॉटलेस है बिल्कुल। और क्या एज है इसकी अभी? इसकी एज है 3.5 साल। 3.5 साल। और ये बग्गी चलाने की वजह से ऊपर हड्डी के पास दबा हुआ है क्या? वो वैसा ही दबता वो। हाँ, हाँ। गाड़ी सिखा रहे उसको भी। बहुत खूबसूरत है। कौन सी ब्रीड में है ये? मारवाड़ कांटेवाड़ है। मारवाड़ कांटेवाड़ क्रॉस में है। क्या हाइट है इसके भी? इसकी होती 58 57 होती। 57 58 हाइट है। क्या प्राइस पूछ रहे हैं आप इसका? मैं 95 में दूंगा। 95,000 में दे देंगे। अगर कोई तैयार कर लेंगे तो कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएंगी इसकी। ये घोड़े ऐसे क्या है देखा गया तो 4 लाख 5 लाख में लोग नुखरे नुखरे बोलते जी। मेरे को प्राइस में रहते तुम्हें जी, बिल्कुल कम मार्जिन में 2-4 हज़ार। और स्टैलियन है? स्टैलियन मतलब गिल्डेड नहीं है ना, खसी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नर घोड़ा है, देखिए खसी नहीं है। और जो है सो पीठ का, गाड़ी का पीठ का बहुत अच्छा सवार है, पीठ को जरा भी कहीं भी नहीं अड़ता जी। और अच्छी बात यह है बारात भी पूरी अच्छी तरीके से करता है। बारात भी कल जाके आया, बारात में भी। अच्छा, बारात में भी जाके आया। बालों की झालर भी बहुत लंबी है इसकी, गले के जो बाल है गर्दन के बहुत लंबे बाल है। बारात की गारंटी है? चलिए, बारात की गारंटी है, यानी शादी बारात वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और प्राइस भी कम है इसका, 95,000 आस्किंग प्राइस है। इसमें भी कम करेंगे? नहीं, अब लेने वाले के ऊपर है। चलिए, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। नहीं, अगर कोई आदमी समझ कर रहेगा लेने वाला तो उसको बहुत कम करके भी देंगे। जैसा भी ये है जी, ये पंचकल्याण है, ये पंचकल्याण घोड़ा है। ये हजारों घोड़ों में कैसा घोड़ा पैदा होता है? क्या खास बात है इसमें? इसमें बहुत कुछ है, इसमें ये घोड़े में बहुत कुछ खास बात है।
तो सारे व्यूअर्स देखना चाहेंगे क्या खास चीजें हैं इसके अंदर। अभी मेरे पास बच्चा नहीं है ना, तो उसको पीठ पे बिठा के मैं बता दूं इसमें खासियत क्या है। मैं ऐसे घोड़े मेरी नजर में बहुत कम आए, हजारों घोड़ों में एक घोड़ा आता, झूठी तारीफ नहीं करता जी, रियल फैक्ट बोल रहा हूँ इसको, बहुत अच्छा घोड़ा है। लेने के बाद में मेरा भी देने का इरादा नहीं है जी, देने का तो इरादा बिल्कुल ही नहीं है जी, फिर भी देखेंगे इंशाल्लाह। चंपा पंच कल्याण है ना, चंपी पंच कल्याण है, फुल डांस, अच्छा नाच काम बहुत है इसमें, नाच काम फुल नाच काम है, चारों पैरों से नाचता, अच्छा और फुल था वो रवाल, अच्छा रेवाल चाल भी है इसके अंदर का रवाल जिसको बोलते हैं पीठ के ऊपर, चेहरा इधर पलटा है उसका, पीठ के ऊपर अगर पानी का गिलास भी भर के रखे तो नहीं गिरता पानी, अच्छा हाँ इतना इतनी प्यारी रवाल है घोड़े में, इसलिए तो मैं इसकी तारीफ इतनी कर रहा हूँ जी जी, सब घोड़ों की तारीफ नहीं करता मैं सही। क्या हाइट है इसकी अभी? इसकी हाइट होती 59 हाइट है, कौन सी ब्रीड है? ये मारवाड़ी है, मारवाड़ में है, मारवाड़ में, और कतरने मारने वाले घोड़े नहीं है, देखिए बिल्कुल साफ है, सॉक्स भी पैर के बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। क्या प्राइस है इसका, प्राइस रेंज क्या रख रहे हैं आप? इसको 75 में दूंगा मैं, 75,000 आसिंग प्राइस है। क्या एज है इसकी अभी? इसकी होती 4 साल होती, 4 साल एज है। चलिए इसके बाद में ये बहुत शानदार घोड़ा दिखा आपके पास, क्योंकि इसका चेहरे का जो लुक है, जो पट्टा है, बिल्कुल नुकरे की तरह एकदम साफ, कान की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है घोड़े की, कंडीशन देखिए आप, चारों पैर के सॉक्स भी बिल्कुल लेवल है, बहुत खूबसूरत और प्योर पंचकल्याण है ये, चंपा पंचकल्याण नहीं होता, ये वाला है जो पेट पे निशान है देखिए इसके, इस वजह से चंपा बन गया है, और ये चेहरा आप इसका देखिए बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। कौन सी ब्रीड में है रहीम भैया? ये सिंधी पंजाबी घोड़ा है, ये पंजाबी है, प्योर पंजाब का घोड़ा है ये, अच्छा चेहरा ऊपर उठाइए इसका। आपके पास घोड़ों से लगाव बहुत ज्यादा है जानवरों से, लास्ट टाइम भी देखे थे हम, बहुत खूबसूरत ट्रेन करते आप। क्या एज है इसके अभी? इसकी होती 3 साल का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 साल का है, और राइडिंग वगैरह सब चालू है इसकी? बिल्कुल राइडिंग चालू है, तरान रवाल ग्यालब, इसको भी गाड़ी लगाया मैं, गाड़ी नहीं भी बहुत अच्छा चल रहा, अच्छा यानी जो गाड़ी के घोड़े नहीं रहे थे उसको भी गाड़ी के लिए तैयार कर देते हैं, मेरे को नहीं, यहाँ पे मेरे पास आने के बाद में कौन सा भी ऐसा घोड़ा है तो गाड़ी में चलना चाहिए, बहुत अच्छा, गाड़ी में नहीं चला तो मैं घोड़े को नहीं रखता, अच्छा बस मेरी खासियत है। क्या हाइट है बोल रहे थे आप इसकी? इसकी हाइट होती 60-61 होती, 60-61 इसकी हाइट है, और है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। क्या प्राइस रख रहे हैं आप इसका? इसका 190 का है, 1,90,000 का है, और कम करेंगे इसके अंदर? नहीं मुश्किल है, अच्छा ये फिक्स है? फिक्स है नहीं जी, बहुत खूबसूरत है वैसे घोड़ा आपका ये, और ट्रांसपोर्टेशन कहीं पर भी भिजवा देंगे आप? कहीं पे भी, आपको जहाँ पे भी जाना है ट्रांसपोर्टेशन कैसे, हम जैसे घोड़ा भिजाएंगे और बाकी का जो खर्चा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का तो वो सामने वाले का ही रहेगा, सामने वाले का रहेगा, बराबर। देखिए बिल्कुल साफ है घोड़ा, अच्छा है, हैदराबाद में है ये, मोहम्मदिया हिल्स में, और बल्लागुड़े के करीब में आता है, क्वालिटी अच्छी है देखिए। साथ में मैं जैसे बतलाया था आप लोगों को, बग्गियों के लिए अगर किसी को चाहिए तो बहुत इजीली आप सिर्फ फ़ोटो भी अगर भिजा देंगे, कुछ एडवांस पेमेंट आप दिला देंगे तो आपकी बग्गी रेडी हो जाएगी, यहाँ पर जो डिज़ाइन आप देंगे उसके लिए तैयार है यहाँ पर काम। मेरे बारे में तो आप बोलिए, लेकिन फिर भी मैं आपको इससे पहले भी बोला था लेकिन फिर बोल रहा हूँ, ये हमारे अकरम भाई है, इनके थ्रू जो है सो तकरीबन लोगों के फायदे, शुक्रिया शुक्रिया बहुत ज्यादा, जो जो इसको नहीं मालूम है घर में अंदर बैठे हुए थे जिसको नहीं मालूम था, हमारे माशाल्लाह अकरम भाई के थ्रू जो है सो आप तक जो है सो हर वो चीज की खबर मिल जाती है, और अकरम भाई से हमारे को बहुत सारा का फायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमको व्यूअर्स मिले, व्यूअर्स मिले, पैसा मिलने की जरूरत। रहीम भाई आज भी मैं महाराष्ट्र निकलने वाला हूँ औरंगाबाद, क्योंकि अब तक निकल जाने वाला था 2 दिन पहले, लेकिन सदर फेस्टिवल था खुलगांव का, तो कल रात में 2-3 बजे तक मैं बाहर था, वो कवर करा भी अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो आ भी गए, कुछ है और अपलोड करने के, तो अब शौक बढ़ाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत काम है आपका, तो जो इंटरेस्टेड हो आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, कम प्राइस में यहाँ पर नुकरा भी है, बहुत ट्रेंड है हर चीज़, इसको सिखाई भी है यहाँ पर, और भी अगर आप लोगों के पास कुछ हॉर्सेस है ट्रेन करने के लिए तो भी आप यहाँ पर ला के ट्रेन करवा सकते हैं, ट्रेनर भी है रहीम भाई। इसी तरह और बहुत सारे वीडियोज़ बताऊँगा मैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।